हेलो दोस्तों, मैं हूं सज्जाद और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सज्जाद व्लॉगर्स में आने के लिए। सो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। अगर आप लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ चैनल का दोस्तों, क्या हम लोग आई बटन लगा सकते हैं वीडियो में? जैसे कि ऊपर आई बटन आता है, क्या मैं आई बटन लगा सकता हूँ अपने वीडियो में बिना मोनेटाइजेशन ऑन हुए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ, क्या आप मोनेटाइजेशन बिना ऑन हुए आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं या फिर नहीं? मैं आज की इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब मार के और घंटी को दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ अपने चैनल सज्जाद ब्लॉगर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ सबसे पहले कि आपका मोनेटाइजेशन नहीं भी ऑन हुआ है तब भी आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका मोनेटाइजेशन नहीं भी ऑन हुआ है तब भी आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं। बट कैसे आई बटन लगाना है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको मोबाइल का होम स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको आई बटन लगाने के लिए बताता हूँ। मैं आज हूँ अपने मोबाइल का होम स्क्रीन पर होम पेज पर, तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए वीडियो की और चलता हूँ। सो दोस्तों, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है आई बटन लगाने के लिए, और यहाँ पे आपको यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, इधर बहुत ही नेट स्लो चलता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखता होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है तो रेड कलर का आपको दिखेगा, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आपको अपने चैनल को पीसी की तरह, जैसे कि कंप्यूटर की तरह डेस्कटॉप साइड में खोल लेना है। इस तरह से जब खुलेगा, देख सकते हो थोड़ा सा आपको लेट लग रहा है, सारा इस तरह से जैसे कि कंप्यूटर पीसी में जैसे खुलता है उस तरह से आपको यहाँ पे खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको खुल जाएगा। आपको सारा कुछ मैं बता देता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप डेस्कटॉप साइड में खोल लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस पीसी की तरह खुल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देख सकते हैं आपको थोड़ा सा जूम करना है, और आपको यहाँ कोना पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका चैनल को लोगो, देख सकते हो दोस्तों। अब अपने चैनल को लोगो पे क्लिक करना है और दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है। आपको यूट्यूब स्टूडियो में आपको खोल लेना है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो पे आपको क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो दोस्तों क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुलते ही आएगा, तो देख सकते हैं थोड़ा सा वेट लग रहा है, आप वेट कीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा बस देख रहे हो तो इस तरह से इंटरफेस देखते आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जूम करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियोस का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे आप अपने वीडियो में चले जाना, ठीक है। आपको थोड़ा सा नीचे क्लिक करना है और से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो सारा वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों सारा जितना भी आप वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, सारा वीडियोस आपका देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों आपको जिस वीडियो में आई बटन लगाना है उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों, और फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे इस आइकन पे जो आपको है आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और फिर से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा हुआ, मैंने आई बटन लगा लिया है इस वीडियो में, ठीक है। बट तब भी आपको मैं लगा देता हूँ, लगाने के लिए बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ब्लू टैप का जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों फर्स्ट में आपको वीडियो का ऑप्शन दिख रहा हुआ, ठीक है। आपको वीडियो पे क्लिक करना है दोस्तों, देख सकते हैं। और फिर आपका जितना भी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आपको जिसको जिस वीडियो को आपको आई बटन लगाना है या फिर आपको कोई और किसी का वीडियो आपको आई बटन में लगाना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है उसका चैनल का, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है उसका जिसका चैनल है, ठीक है, या फिर कोई वीडियो का। अब मैं जैसे सॉन्ग देखे सॉन्ग देख सकते हो तो यहाँ पे सॉन्ग का देख सकते सारा आपको सॉन्ग का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप उसका लिंक डाल सकते हैं, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ
आ गया उसका भी लिमिट आ सकता है दोस्तों, बट मैं अभी बताऊंगा कि अपने वीडियो में कैसे अपना वीडियो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कोई भी एक वीडियो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। टच करने के बाद फिर यहाँ देखो तो यहाँ लग गया, ठीक है। और उसको यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप साइड करके यहाँ से आपको जहाँ लगाना है वहाँ से देखो तो यहाँ पे वीडियो प्ले करके आप यहाँ से देख सकते हो उसको आपको जहाँ लगाना है। और उसको यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा हो, आप सेव से क्लिक करके आप सेव कर लीजिएगा, आपका आई बटन बिना मोनेटाइजेशन ऑन हुए हो जाएगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि बिना मोनेटाइजेशन ऑन हुए आप आई बटन कैसे लगा सकते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल वीडियो था, एंड तक जरूर से देखे होंगे। दोस्तों चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब मार दे और घंटी को भी दबा दे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल सज्जाद ब्लॉगर्स में। लाइक कर दिए अपने भाई को वीडियो को और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिए, और कमेंट करके बिल्कुल भी ना कमेंट करना ना भूले आप अपने भाई को।